सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM टेक पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग कंपनी जो है एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जो कि आपको एक दो हफ्ते में ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर में दिखने को मिल जाएगा, जो कि सैमसंग कंपनी जो है ए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सैमसंग गैलेक्सी A31 को लॉन्च करेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A31 मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31 मोबाइल के बीच में। गाइस, ये दोनों मोबाइल के बीच फुल लेटेस्ट कंपेयर करके दिखाएंगे आपको क्या मार्केट प्राइस में कौन सा मोबाइल बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर ये दोनों मोबाइल के बीच फुल लेटेस्ट कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। गाइस, अगर सैमसंग गैलेक्सी A31 लॉन्च होने के बाद कुछ फीचर्स चेंज होता तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। तो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बॉडी टाइप के। तो यहाँ पर गैलेक्सी A31 और गैलेक्सी M31 ये दोनों मोबाइल जो है आपको पॉलीकार्बोनेट और बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम में मिलेगा, जो कि बिल्ड क्वालिटी के मामले ये दोनों स्मार्टफोन सेम पोजीशन में है। मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी आपको ये दोनों स्मार्टफोन में लगभग आपको बेहतर दिखने को मिलेगा, जो कि कोई भी मोबाइल में आपको ग्लास बॉडी नहीं मिलेगा। इन दोनों स्मार्टफोन की थिकनेस एंड वेट के बारे में बात करें तो गैलेक्सी A31 आपको 8.6 mm थिकनेस में मिलेगा, जो कि गैलेक्सी M31 मोबाइल आपको 8.9 mm थिकनेस में मिलेगा, जो कि आपको गैलेक्सी A31 मोबाइल जो है आपको थोड़ा पतला मोबाइल मिलेगा गैलेक्सी M31 मोबाइल से। वेट के बारे में बात करें तो गैलेक्सी A31 आपको 185 ग्राम में मिलेगा और गैलेक्सी M31 आपको 191 ग्राम में मिलेगा, जो कि आपको गैलेक्सी M31 मोबाइल से हल्का फ़ोन मिलेगा गैलेक्सी A31 मोबाइल। इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो गैलेक्सी A31 और गैलेक्सी M31 ये दोनों स्मार्टफोन जो है, ये दोनों स्मार्टफोन में कंपनी ने गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ किया है, जो कि डिस्प्ले प्रोटेक्शन के मामले ये दोनों स्मार्टफोन सेम पोजिशन में है। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले टाइप एंड साइज की, तो जो कि गैलेक्सी A31 मोबाइल और गैलेक्सी M31 मोबाइल ये दोनों स्मार्टफोन में कंपनी ने सेम डिस्प्ले टाइप एंड साइज दिया है, जो कि 6.4 इंच फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि ड्यू ड्रॉप नोज डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा, जो कि डिस्प्ले क्वालिटी एंड डिस्प्ले की जो साइज आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी आपको नो डाउट है दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर गैलेक्सी A31 मोबाइल में आपको एक्जिनोस 9610 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि ऑक्टाकोर 2 GHz में क्लॉक्ड है। गैलेक्सी M31 मोबाइल के बारे में बात करें तो इस मोबाइल में आपको एक्जिनोस 9611 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि ऑक्टाकोर 2.3 GHz में क्लॉक्ड है। मार्केट प्राइस के हिसाब से ये दोनों स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर दिखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU के बारे में बात करें तो गैलेक्सी M31 मोबाइल जो है आपको एंड्रॉयड 10 के साथ Mali G72 MP3 GPU के साथ मिलेगा, और गैलेक्सी A31 मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 के साथ Mali G52 MP3 GPU के साथ मिलेगा, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग ग्राफिक आपको इन दोनों स्मार्टफोन में नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की रियर कैमरा की, तो यहाँ पर गैलेक्सी A31 मोबाइल में आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, जो कि 48 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP एंड यहाँ पर गैलेक्सी M31 मोबाइल में भी आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, जो कि 64 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP। रियर कैमरा के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको रियर कैमरा थोड़ा बेटर दिखने को मिलेगा गैलेक्सी M31 मोबाइल में। इन दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा के बारे में बात करो तो यहाँ पर गैलेक्सी A31 मोबाइल में आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और गैलेक्सी M31 मोबाइल में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। सेल्फी कैमरा भी मेरे ख्याल से यहाँ पर गैलेक्सी M31 मोबाइल में आपको बेटर दिखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कौन सा मोबाइल का रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा बेटर है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करो तो यहाँ पर गैलेक्सी A31 मोबाइल में आपको 5000 mAh बैटरी के साथ 15 W का आपको फास्ट चार्जर मिलेगा, जो कि गैलेक्सी M31 मोबाइल में आपको 6000 mAh बैटरी के साथ 15 W का फास्ट चार्जर मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको बैटरी पावरफुल दिखने को मिलेगा गैलेक्सी M31 मोबाइल में। अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर गैलेक्सी A31 मोबाइल जो है आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा, और एक 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इस मोबाइल में आपका डेस्क पैनल कर सकते हो 256 GB तक। बात कर लेते हैं यहाँ पर गैलेक्सी M31 मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको 6 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा, और एक 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इस मोबाइल में आपका डेस्क पैनल कर सकते हो 256 GB तक। इन दोनों स्मार्टफोन
के सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो आपको ये दोनों स्मार्टफोन में डुअल सिम के साथ आपको दिखने को मिलेगा, जो कि कोई भी मोबाइल में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया है कंपनी ने, जो कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलेगा इन दोनों मोबाइल में। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर गैलेक्सी A31 मोबाइल में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और गैलेक्सी M31 मोबाइल में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो कि दोनों स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक फीचर्स के साथ आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। मोबाइल की कलर्स के बारे में बात करें तो गैलेक्सी A31 मोबाइल आपको ब्लू, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड कलर में मिलेगा, जो कि गैलेक्सी M31 मोबाइल आपको ब्लू, ब्लैक एंड रेड कलर में मिलेगा। आपको जो कौन सा मोबाइल का कलर ज्यादा बेस्ट लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इन दोनों स्मार्टफोन की मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो आपको गैलेक्सी A31 मोबाइल आपको लगभग 14,000 के अंडर में दिखने को मिलेगा, जो कि गैलेक्सी M31 मोबाइल आपको अंडर 15,000 में मिलेगा। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा मोबाइल बेस्ट लगा है मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो आपको जो ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।